स्वागत है आपका संगीता विश्वरूप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक नई इनोवेटिव रेसिपी जो न तो आलू की कटोरी है और न ही आलू के भजिए। तो अब इसको मैं क्या नाम दूं? चलो हम इसे स्टफ आलू रोल ही कह देते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम एकदम नए स्टाइल का स्टार्टर बनाने की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये ली है एक कप मूंग की दाल, बिना छिलके वाली मूंग की दाल है। इसको एक घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा है और अब मैं इसका सारा पानी निकाल देती हूँ। और अब हम इस दाल को मिक्सर जार में दरदरा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए मिक्सर को चलाया और बंद कर दिया था, ज्यादा नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा ही रखा है। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा तेल लेते हैं। तेल गरम हो जाए कि हम इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच बेसन और साथ में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देंगे। 1.5 मिनट के लिए हमने बेसन को तेल में भून लिया है और अब हम इसमें ये दाल डालेंगे जो हमने दरदरी क्रश करके रखी है। दाल को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। दाल को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालते हैं, ये मैंने एक चटनी बनाई है हरी मिर्च धनिया की, जो हम रेगुलर चटनी बनाते हैं वो गाढ़ी चटनी मैंने ली है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे, साथ में थोड़ी सी सौंफ हम इसमें मिक्स करते हैं और रोस्टेड जीरा पाउडर है वो हम इसमें मिक्स करेंगे, साथ में गरम मसाला मिक्स करेंगे, एक बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और साथ में थोड़ा सा हम इसमें मिक्स कर रहे हैं ये धनिया पाउडर, दरदरा ग्रेट किया हुआ धनिया पाउडर है, ये भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। घर पे ही मैंने क्रश किया है धनिया को। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा अदरक और सबको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक, फिर से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यदि दाल का टेक्सचर ज्यादा ड्राई है तो जरूरत हुई तो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर और इसको हम ढककर भाप से कुक कर लेंगे। धीमी आंच पर हमें कुक करना है। फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, धीमी आंच पर हमने स्टफिंग को कुक कर लिया है और अब हम इसमें मिक्स करते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मिक्स करने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और गैस को बंद करके हम इसको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, अब आउटर लेयर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 आलू, इसको मैंने छील लिया है और साफ धो लिया है और अब हम इसको इस बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसका थोड़ा पानी निकाल देंगे और अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और सबको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इस ग्रेट किए हुए आलू के मिश्रण को इस तरह से हाथ पर थोड़ा सा थेप लेंगे, इस तरह से चपटा कर लेते हैं। और इस पर मैंने जो स्टफिंग की बनाया था हमने इसके बॉल्स बनाकर रखे हैं, इस बॉल्स को इसमें लेंगे और ऊपर से फिर से थोड़ा सा आलू इसके ऊपर रखेंगे ग्रेट किया हुआ और हल्के हाथ से इसको दबा देते हैं। इस तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस स्टफ आलू बॉल्स को गरम तेल में फ्राई करेंगे। ये बॉल्स हमारा गोल्डन हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। सारे बॉल्स में इसी तरह रेडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे एकदम नए स्टाइल के स्टफ आलू रोल। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स।